स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 ज्योग्राफिक ग्रिड लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो शुरुआत करते हैं कि द अर्थ सरफेस इज सो वास्ट दैट अनलेस अ मैथमेटिकल मेथड इज यूज्ड इट इज इम्पॉसिबल टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। अर्थ इतना बड़ा है कि अगर कोई मैथमेटिकल मेथड अगर हम नहीं यूज करते तो बहुत ही मुश्किल होगा किसी भी प्लेस को लोकेट करने में। फॉर दिस रीजन इमेजनरी लाइन्स आर ड्रॉन ऑन द ग्लोब। ध्यान से देखिए, फॉर दिस रीजन, इसके लिए इमेजनरी लाइन्स यानी एक्चुअली कोई लाइन लाई नहीं करती है, इमेजनरी लाइन ड्रॉ की जाते हैं ग्लोब के ऊपर। द लाइन्स रनिंग ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब आप समझ लो यूं लेटा हुआ, यानी ये जो लाइन्स हैं, ये वाली लाइन्स जो कि इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल जा रही हैं, तो ये लेटी हुई लाइंस हॉरिजॉन्टली जो जा रही हैं ये लाइंस कहलाती हैं पैरेलल्स ऑफ लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। और जो लाइन रनिंग नॉर्थ टू साउथ पासिंग थ्रू द पोल्स आर कॉल्ड लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब देखो वर्टिकल, ऊपर से नीचे आती हुई, ये जो ऊपर से नीचे लाइंस आ रही हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ये क्रॉस कर रही हैं पोल्स को, तो ये जो लाइंस हैं ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहलाती हैं। लॉन्गिट्यूड मतलब जो है बिल्कुल वर्टिकल, और ये जो है हॉरिजॉन्टल देख सकते हो आप। लैटिट्यूड मतलब बस इतना समझ लो लेटा हुआ। तो दूसरा जो लॉन्गिट्यूड बचा वो टॉप से बॉटम तक आएगा। द इंटरसेक्शन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पिन पॉइंट अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। दिस क्रिस क्रॉसिंग लाइन्स फॉर्म अ फ्रेमवर्क नोन एज ज्योग्राफिक ग्रिड। अभी जो इंटरसेक्शन है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, तो देखो ये एक बॉक्स की तरह फॉर्म कर रहा है, एक ग्रिड फॉर्म कर रहा। अब इस ग्रिड में जो है वो प्लेस आराम से इंडिकेट हो जाएगा, है ना। तो इसी को कहते हैं ज्योग्राफिक ग्रिड। एरेटोस्थेनेस द ग्रीक फिलोसोफर हु हैड फॉर द फर्स्ट टाइम कैलकुलेटेड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ हैड डिवाइज्ड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टू लोकेट प्लेसेस ऑन द अर्थ। तो ये जो ग्रीक फिलोसोफर था एरेटोस्थेनेस, जिसने पहली बार कैलकुलेट किया था सर्कमफ्रेंस, पूरा सर्कमफ्रेंस अर्थ का, उसने लाइंस ऑफ लैटिट्यूड तैयार किए थे और लॉन्गिट्यूड, ताकि किसी प्लेस को क्या कर सके, लोकेट कर सके। अब जैसे धरती पे कहीं कोई प्लेस है तो वो कैसे बताएगा, तो उसको देखो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में डिवाइड कर दिया और एक एक ग्रिड फॉर्म हो गया, बता देगा कौन से ग्रिड में है, भाई कितने डिग्री वो नॉर्थ में है, कितने डिग्री साउथ में है, और कितने डिग्री ईस्ट में, और कितने डिग्री वेस्ट में, ऑटोमेटिकली बता देगा। दिस ग्रिड ऑन द ग्लोब और द मैप सर्व द सेम पर्पज एज सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन अ ग्राफ पेपर। अब जैसे कि ग्राफ पेपर पे कोऑर्डिनेट्स होते थे ना, तो आप वाई कोऑर्डिनेट इधर जा रहा है, एक्स इधर जा रहा है, वाई पॉजिटिव और एक्स पॉजिटिव, तो आप जैसे यहाँ पे प्लेस आउट करते थे तो वैसे ही ये पूरा ग्राफ पेपर की तरह ही है। इन दिस केस एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाई लाइन ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड ये जो वही लेटा हुआ है, तो ये एक्स एक्सिस ये आपका लैटिट्यूड है और ये आपका लॉन्गिट्यूड है जो टॉप से बॉटम आ रहा है, ठीक है। और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो जा रहा है, या ईस्ट से वेस्ट कह सकते हो, तो ये लैटिट्यूड है आपका। फिर लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में कुछ और इंट्रोडक्शन है। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर द इमेजनरी लाइन्स ज्वाइनिंग ऑल प्लेसेस हैविंग द सेम लैटिट्यूड टुवर्ड नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब नॉर्थ से साउथ जाते हुए जितने भी प्लेसेस हैं उन सारे प्लेसेस को ये ज्वाइन करता है लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, है ना, सारे प्लेसेस को ज्वाइन करता है ये लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। ये जो लाइन है लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ टू और साउथ ऑफ द इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस है किसी भी जगह का नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर के, इक्वेटर में कि नॉर्थ में पड़ेगा या साउथ में, यानी कि ये देखो इक्वेटर से इधर हो जाता है नॉर्दर्न, इधर हो जाएगा साउदर्न। अब यहां पे अ लैटिट्यूड इज मार्क्ड इन डिग्रीज विद इक्वेटर बीइंग 0 डिग्री। अब ये जो बिल्कुल मिडिल में जो लाइन जाएगी ना, ये हमारी 0 डिग्री वाली लाइन होगी, फिर इसके ऊपर, फिर इधर 90 होगा, और फिर ये 0 तक जाएगा, फिर इधर नीचे जाएगा। तो 0 डिग्री जो है इक्वेटर वाली लाइन है जो बिल्कुल मिड में, और ये ग्रेट सर्कल भी कहलाती है ना, लैटिट्यूड में बस एक ही ग्रेट सर्कल है दैट इज इक्वेटर, और लॉन्गिट्यूड में तो सारे ही के सारे लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल कहलाते हैं। लैटिट्यूड आर कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू द एंगल अ प्लेस मेक्स विद द सेंटर ऑफ द अर्थ। लैटिट्यूड कैलकुलेट होता है कि कितना एंगल कोई प्लेस बना रहा है सेंटर के साथ, यानी सेंटर
अब इसका सेंटर कहाँ होगा, कहीं बीचों बीच होगा। स्फेयर का जो सेंटर होगा वही अर्थ के लिए भी सेंटर होगा, अगर अर्थ के बड़ा इतना बड़ा अगर कोई सर्कल हो तो अर्थ खुद ही एक सर्कल है, तो जैसे सर्कल का सेंटर लाई करता है वैसे ही अर्थ का सेंटर लाई करेगा बीच में। सिंस द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर पैरेलल टू द इक्वेटर एंड ईच अदर दे आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अभी बताया ये सारी लाइन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इसीलिए इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज अ फुल सर्कल, हर एक देखो एक छोटा है पोल के पास, फिर बड़ा है, लेकिन सबके सब क्या है, सर्कल है। ईच पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड इज फुल सर्कल, हर एक पैरेलल लैटिट्यूड का फुल सर्कल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर ही ग्रेट सर्कल इसलिए कहलाता है क्योंकि सबसे बड़ा इक्वेटर होता है, बाकी सारी लाइंस जो हैं बाकी सारे सर्कल्स इक्वेटर से छोटे आएंगे। तो इक्वेटर सबसे बड़ा हुआ और बाकी सब छोटे हुए, चाहे नीचे चाहे ऊपर की तरफ। इसके अलावा द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ एंड बिकम स्मॉलर एज वी मूव टुवर्ड द पोल एट 60 डिग्री लैटिट्यूड इन ईच हेमिस्फीयर द लेंथ ऑफ द सर्कल इज हाफ द लेंथ ऑफ द इक्वेटर एट द पोल्स दीज लाइन्स आर जस्ट पॉइंट और डॉट्स। अब इक्वेटर 0 डिग्री की जो सर्कल है वो सबसे बड़ा ग्रेट सर्कल है, बाकी जैसे ही आप ऊपर की तरफ जा रहे हो देखो स्मॉलर होता जा रहा है सर्कल, स्मॉलर होता जा रहा है। इवन वही बात कह रहा है कि ये पोल पे कैसा हो जाएगा, बिल्कुल डॉट हो जाएगा छोटा होते होते। मेन लैटिट्यूड कौन कौन से हैं वो देखते हैं। देयर आर 181 पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। अब 181 कैसे हुए, 0 टू 180 तो 181 ही हुए ना, 1 से लेके 180 हुए और साथ में 0 डिग्री वाला, तो 181 पैरेलल हैं और हर एक ऑकर करता है 1 डिग्री के बाद, हर एक डिग्री के बाद जो है एक लैटिट्यूड रन करता है, यानी हमने इमेजिनरी लाइन बनाई हुई है। इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ लैटिट्यूड, ये तो हमने देख लिया ग्रेट सर्कल है सबसे बड़ा, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ है, ये लोकेट होता है एंगुलर डिस्टेंस ऑफ 90 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, तो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर के साथ एंगुलर डिस्टेंस 90 डिग्री पे एकदम बिल्कुल टॉप पे लाई करता है। फिर साउथ पोल भी बिल्कुल एंगुलर डिस्टेंस 90 डिग्री पे लाई करता है लेकिन नीचे की तरफ। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री है, इज अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड लोकेटेड 23.5 नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ में, और 23.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर में कहते हैं इसको लाई करता है। आर्कटिक सर्कल रिप्रेजेंट करता है 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को, ये सारा का सारा आपको अभी डायग्राम में देखने को मिलेगा। और अंटार्कटिक सर्कल ये रिप्रेजेंट करता है 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को। तो यहाँ डायग्राम में देख सकते हो आप, देखो कौन कौन सा किसको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल को, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, 0 डिग्री इक्वेटर को, तो ये तुम्हारा नॉर्दर्न हो गया। और साउदर में देखो 23.5 रहेगा साउथ में, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को रिप्रेजेंट करेगा। और 66.5 अगर साउदर्न में है तो मतलब अंटार्कटिक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो इक्वेटर बिल्कुल बीचों बीच जाता है, मिडवे में रन कर रहा है बिटवीन द पोल्स। डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हेमिस्फीयर नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ये बीच में बिल्कुल इक्वेटर है और ये ऊपर का पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये इक्वेटर के नीचे का पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर। तो इक्वेटर जो है अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। द पोल्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर अपोजिट टू ईच अदर एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द स्फीयर। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे हैं, देखो एकदम इस कोने पे है, ये इस कोने पे है। दे आर सच लोकेटेड एट 90 डिग्री ऑफ एंगुलर डिस्टेंस नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर। अब इक्वेटर से देखो 90 डिग्री पे है कि नहीं है, बिल्कुल। द लेंथ ऑफ द इक्वेटर इज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ और 40,075 किलोमीटर। तो अर्थ का जो डिस्टेंस है सर्कमफ्रेंस है, अर्थ का पूरा सर्कमफ्रेंस कितना है, 40,075 किलोमीटर। तो ये जो इक्वेटर की वैल्यू है ना, इक्वेटर की भी वैल्यू बिल्कुल उतनी, इक्वेटर जो सर्कल फॉर्म करता है उसकी भी वैल्यू इतनी ही है। अब यहां पे ये जो 40,075 किलोमीटर है ये पूरे सर्कमफ्रेंस यानी 360 डिग्री पे बनाता है, ठीक है, ये ऐसे है
तो यहाँ पे देखो ये पूरा टोटल कितना बना रहा है, पूरा टोटल एंगल बनाएगा 360 डिग्री। तो अगर हम 40,075 किलोमीटर को अगर डिवाइड करें 360 डिग्री से तो कितना आएगा हमारा, ये आ जाएगा आपको, डिवाइड करते हैं इसको 40,075 / 360 111.319, यानी कि अप्रॉक्स 111 किलोमीटर। यानी एक डिग्री का मतलब कितना हुआ, 111 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ, ठीक है, अर्थ के सर्कमफ्रेंस पे, इक्वेटर की तरफ, ठीक है। अब देखो लैटिट्यूड का यूज क्या होता है, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड फॉर्म वन ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्रिड सिस्टम, ग्रिड सिस्टम का एक कोऑर्डिनेट फॉर्म करती हैं। देखो जैसे ये अर्थ है, ये एक दो लाइन बना रहा हूं मैं बिस, और इधर भी दो, तो ये जो ग्रिड सिस्टम है ना इसका एक पार्ट कौन फॉर्म कर रहा है, ये किस किस लाइन के बीच में है या कितने डिग्री से कितने डिग्री के बीच में है, ये एक पार्ट कौन फॉर्म कर रहा है, लेटिट्यूड। दूसरा कौन फॉर्म करेगा, ये वाला पार्ट लॉन्गिट्यूड फॉर्म करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ग्रिड सिस्टम में एक कोऑर्डिनेट फॉर्म करता है ये। टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, तो लेटिट्यूड गिव अस द लोकेशन ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो लेटिट्यूड बताता है कि भाई नॉर्दर्न साइड में जाना है या साउदर्न साइड में जाना है इक्वेटर से। सच लोकेशन इज एज एन ऑब्सोल्यूट लोकेशन, यानी पक्का लोकेशन होता है। टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस, अभी देख लिया एक डिग्री इज इक्वल टू 111 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आर कैलकुलेटेड विथ रेफरेंस टू द इक्वेटर एट राइट एंगल टू द प्लेस। वी कैन देयरफॉर मेजर द डिस्टेंस ऑफ एनी प्लेस फ्रॉम द इक्वेटर बेस्ड ऑन इट्स डिग्री ऑफ लैटिट्यूड। अब कितने डिग्री लैटिट्यूड पे वो प्लेस लाई कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग सेंटर के साथ कितना वो एंगल बना रहा है हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल लैटिट्यूड जो है मुंबई का वो 19 डिग्री नॉर्थ है और दिल्ली का 30 डिग्री नॉर्थ है। तो मुंबई से दिल्ली कितना हुआ, 19 to 30 degree हो रहा है, ठीक है। वी कैन से दैट मुंबई इज 30 डिग्री नॉर्थ और ये कितना है 20 डिग्री। तो अब देखो ये जो आपका न्यू दिल्ली है और ये जो आपका मुंबई है तो ये 30 डिग्री नॉर्थ में है, तो यानी कि 30 × 111 किलोमीटर और ये हो जाएगा 19 × 111 किलोमीटर। भाई 30 डिग्री है ना ये, और 1 डिग्री रिप्रेजेंट करता है 111 किलोमीटर को, तो 30 × 111 किया तो कितना आया आपका 3,330 किलोमीटर आया, और 111 × 19 किया तो 2,109 आया। तो ये इक्वेटर से 2,109 किमी आवे है और दिल्ली जो है इक्वेटर से 3,330 किमी आवे है, तो हमको ये पता चल जाएगा। और साथ में नॉर्थ लिखा हुआ है तो हम इक्वेटर से नॉर्थ साइड में जाएंगे, दिल्ली के लिए भी मुंबई के लिए भी। इसके अलावा हेल्पिंग अस टू लोकेट प्लेसेस ऑन मैप एंड चार्ट्स, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड डिवाइड द अर्थ इनटू डिस्टिंक्ट हीट बेल्ट। The length of latitude indicate the general climate of the area by applying the principle of heat zones or thermal zones of the earth. Thus, latitude enable us to divide the whole earth into different climatic zone. अब सिर्फ ये locate नहीं करता place, बल्कि ये जो parallel line जा रही है ना, तो particular parallel lines के बीच में ना अलग अलग heat belts में earth को हमने divide कर दिया है। अब इससे जो है सारा का सारा देखो कैसे पता चल रहा, अब जैसे कि 90 डिग्री से लेके 66.5 डिग्री के बीच में देखो फ्रिजिड जोन है ना, पोलर रीजन फ्रिजिड जोन, और वही फ्रिजिड जोन इधर भी मिलेगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का फ्रिजिड जोन, ये साउदर्न हेमिस्फीयर का। फिर उसके बाद टेम्परेट जोन 66.5 से 23.5 में, टेम्परेट जोन मतलब नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, ये साउदर्न का फ्रिज वो टेम्परेट जोन सॉरी नॉर्दर्न का और ये साउदर्न का। वैसे ही इक्वेटर 0 डिग्री के आसपास बिल्कुल जो है सन डायरेक्टली यहाँ पे लाई करता है, तो ये वाला जो है टॉरिड जोन यानी कि हीट जोन है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है, तो ये नॉर्दर्न साइड में हाई टेम्परेचर वाला जोन और ये साउदर्न साइड में हाई टेम्परेचर वाला जोन। तो ये लाइंस ना कि सिर्फ अर्थ को बल्कि डिवाइड वो लोकेट करने में मदद कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग हीट जोन में भी हमने डिवाइड कर लिया अर्थ को। ये इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है लैटिट्यूड की, जो कि हीट जोन में अलग अलग हीट बेल्ट में अर्थ को डिवाइड करते हैं। तो अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसको, टॉरिड और ट्रॉपिकल जोन, एरिया लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 डिग्री
साउथ मार्क द लिमिट ऑफ टॉरिड जोन मीन्स वेरी हॉट जोन, और ये ट्रॉपिकल जोन भी कहलाता है, ये हॉटेस्ट जोन होता है अर्थ का, यानी ये 0 से 23 इधर भी, 0 से 23 इधर भी, ये हॉटेस्ट है बिल्कुल। इक्वेटर के पास जो जो एरिया पास करेंगे वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। फिर द टेम्परेट जोन, द अदर टू लाइन्स ऑफ लेटिट्यूड बेस्ड ऑन टेम्परेचर आर आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ और एंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ। बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एलवेज वेल एज बिटवीन एंटार्कटिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ है ना बस वो यहाँ पे दिया हुआ है, आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में, वैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्कटिक सर्कल के बीच में क्या लाई करता है, टेम्परेट जोन लाई करता है। अगर आर्कटिक सर्कल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो साउदर्न हेमिस्फीयर का, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और एंटार्कटिक सर्कल है तो ये साउदर्न हेमिस्फीयर का। इसके बाद जो फ्रिजिड जोन है वो पोल के पास की एरिया है, बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, और उसके अलावा एंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, यानी आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल, एंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल। तो ये जो एरिया है ये एरिया कैसा है, फ्रिजिड जोन है। यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही कम रे ऑफ लाइट रिसीव होती है, और यहाँ पे टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है दैट इज वेरी लो। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड के बारे में। अ लॉन्गिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस। अब ये देखो ये जो एंगुलर डिस्टेंस है ये जो नॉर्थ से साउथ की तरफ रन करता हुआ आ रहा है, दिस इज ओनली लॉन्गिट्यूड। प्राइम मेरिडियन इज द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड हुज एंगुलर डिस्टेंस इज डिफाइंड एज 0 डिग्री। अब 0 डिग्री वाली जो लाइन है ना ये 0 डिग्री देखो लिखा हुआ है, तो यही 0 डिग्री वाली लाइन जो है प्राइम मेरिडियन है, और ये पास करती है लंदन से, है ना, ग्रीनविच नियर लंदन, वहां से पास करती है ये। द लाइन्स टू द वेस्ट ऑफ ग्रीनविच आर सफिक्स्ड विथ डिग्री वेस्ट एंड दोज ऑफ ग्रीनविच आर सफिक्स्ड विथ डिग्री ईस्ट। अब ध्यान से देखो, जो इक्वेटर था, इक्वेटर दो पार्ट में अर्थ को डिवाइड कर रहा था, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर साउदर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो प्राइम मेरिडियन है ना दो पार्ट में फिर से अर्थ को डिवाइड किया, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, दिख रहा है वेस्ट साइड में और ईस्ट साइड में। तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट में अगर आप जाओगे तो सारा वेस्ट मिलेगा, वेस्ट डिग्री वेस्ट होगा, और अगर राइट में जाओगे तो डिग्री ईस्ट होगा। देयर आर टोटल 360 लाइंस, क्योंकि हर एक डिग्री पे एक लाइन है, तो टोटल जो सर्कल में होता है एंगल दैट इज 360 डिग्री, तो 360 लाइंस टोटल मिलेंगे टॉप से बॉटम रन करते हुए। लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, मेरिडियन डिराइव किया गया है मेरिडियनम से, जिसका मतलब होता है नून, ठीक है, तो इसको मेरिडियन ऑफ लेटिट्यूड वो लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है दोपहर, और क्योंकि सन क्रॉसेज अ मेरिडियन एट नून, तो सन जब भी क्रॉस करेगा किसी मेरिडियन को कब क्रॉस करेगा, दोपहर के टाइम में क्रॉस करता है। ऑल प्लेसेस ऑन पर्टिकुलर मेरिडियन विल हैव नून एट द सेम टाइम, जितना भी प्लेस लाई करेगा एक किसी एक मेरिडियन पे वो सब एक ही टाइम में दोपहर हो रहा होगा हर जगह पे। ऑल मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कन्वर्ज एट द पोल आर दस ऑफ इक्वल लेंथ, सारा का सारा मेरिडियन जो होता है वो आके मिलता है, कन्वर्ज होता है, ये सब आके मिल रहा है कहाँ पे, पोल पे, इधर से भी और नीचे की तरफ भी पोल पे, तो इसीलिए ये सब इक्वल लेंथ के होते हैं, जबकि लॉन्ग लैटिट्यूड इक्वल लेंथ का नहीं होता। लैटिट्यूड में क्या होता है, सारे सर्कल्स छोटे और बड़े होते हैं, जिसमें कि इक्वेटर सबसे बड़ा होता है, बाकी सब छोटे होते हैं, और जबकि पोल पे आते आते तो बिल्कुल डॉट हो जाता है। द प्राइम मेरिडियन इज नंबर्ड एज 0 डिग्री, प्राइम मेरिडियन को 0 डिग्री कहा गया, और अदर नंबर्ड होते हैं 0 to 180। अब देखो यहाँ 0 से 180 तक जाओगे ईस्ट, और इधर 0 से 180 तक जाओगे वेस्ट, ठीक है, ये पूरा दो पार्ट में डिवाइडेड है ना, 0 से 180 वेस्ट में, और फिर इधर 0 से 180 ईस्ट में। अच्छा, इट इज डायमेट्रिकली अपोजिट टू द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बिल्कुल अपोजिट में होता है 180 डिग्री वाला। द 0 and 180 मेरिडियन टुगेदर मेक अ फुल सर्कल राउंड द अर्थ प्रोसीडिंग एट 1 डिग्री इंटरवल फ्रॉम बोथ ईस्ट एंड वेस्ट। अदर फुल सर्कल देखो कैसे हो जाएंगे, देखो यहाँ पे जैसे कि ये अर्थ है, अब ये 0 डिग्री है इस साइड, ठीक है, अगर ये प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री है तो उसके दूसरे साइड भी अपोजिट में जा रहा होगा, तो ये पूरा क्या बना रहा है, फुल सर्कल बना रहा है।
फिर 1 डिग्री वाला किसके साथ फुल सर्कल बनाएगा, 179 के साथ। 178 वाला किसके साथ बनाएगा, 2 के साथ, 2 डिग्री वाले के साथ। तो ऐसे ही बहुत सारे सर्कल बनेंगे। और खास बात यह है कि सारे सर्कल इक्वल लेंथ के बनेंगे, है ना। तो ये सारे ही सारे लॉन्गिट्यूड ग्रेट सर्कल कहलाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे अभी। फिर इसके बाद है द टू डायमेट्रिकली अपोजिट लाइंस मेक अ फुल सर्कल ऑल्सो नोन एज ग्रेट सर्कल। वही बताया मैंने अभी। द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, द डिस्टेंसेज डिक्रीज ग्रेजुअली एंड वन मूव्स टूवर्ड द पोल। अब ये बात भी आपको समझाने लायक है। ये डिस्टेंस मैक्सिमम होती है इक्वेटर के पास, देख ही रहे हो, लेकिन जैसे ही करीब आ रहे हो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसी हो गई, छोटी हो गई कि नहीं हो गई, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या है, इधर ज्यादा हो रही है और इधर कम हो रही है। जैसे जैसे आप करीब आते जाओगे वैसे वैसे डिस्टेंस जो है कम होती जाएगी, पोल्स पे कम हो जाएगी। लॉन्गिट्यूड और टाइम के साथ क्या है कि लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एज स्टेटेड अर्लियर आर नोन एज मेरिडियन एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। इफ इट इज नोन एट गिवन लॉन्गिट्यूड इट मस्ट बी 12 नोन एट ऑल प्लेसेस ऑन दिस लॉन्गिट्यूड। अगर किसी एक पॉइंट पे लॉन्गिट्यूड के नून हो रहा है तो उस पूरी लाइन पे जितने पॉइंट लाई करेंगे, यानी जितने प्लेस लाइन करेंगे, सबके ऊपर दोपहर हो रहा होगा। द अर्थ मेक्स अ कंप्लीट सर्कल ऑन इट्स एक्सिस, इट कवर्स 360 लॉन्गिट्यूड इन 24 आवर्स। तो अब 360 लॉन्गिट्यूड वो कवर करता है कितने में, 24 आवर्स में। ये पूरा 360 डिग्री है ना, इसमें एंगल जो निकल रहा है वो कवर हो रहा है कितने देर में, 24 आवर्स में। तो डिवाइड करेंगे 12 टू जा 12 थ्री जा, यानी कि 15, ठीक है, यानी 1 आवर होगा 15 डिग्री के, ठीक है, यानी कि 60 मिनट इक्वल होगा 15 डिग्री के, यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 बाई 15, यानी कि 15 वन जा 15 फोर जा, यानी 1 डिग्री का मतलब कितना हुआ, 4 मिनट हुआ। यही बात अभी आपको समझाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट हुआ। अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, दैट इज टू से इट कवर 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन 1 आवर और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड एवरी 4 मिनट। फिर दस इफ इट इज नून 12 नून एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इट मस्ट बी 4 मिनट पास 12 नून टुवर्ड द ईस्ट एट नेक्स्ट 1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब यहां पे अगर ये 0 डिग्री का है और यहां पे 12 बज रहे हैं, कितना बज रहा है, 12 नून हो रहा है, 12 पीएम हो रहा है, नून हो रहा है, तो 12 बज रहे हैं, तो यहां पे जैसे ही 1 डिग्री आगे जाएगा, 1 डिग्री बस आगे गया 1 डिग्री लाइन, तो यहां से यहां क्रॉस करने में 4 मिनट का डिफरेंस आएगा, यानी यहां पे कितना बज रहा होगा, 12 बज के 4 मिनट। अच्छा ठीक है, अगर यही पीछे आ जाओ, यहां देखो एडिशन होगा, और यही पीछे आ जाओ, यानी कि इस वाली लाइन को हम अगर मान लें कि 1 डिग्री वेस्ट है, तो 1 डिग्री वेस्ट तो 4 मिनट कम हो जाएंगे, यानी 11 बज के 56 मिनट हो रहा होगा। कितना होगा, 11 बज के 56 मिनट। यानी अगर 15 डिग्री आगे चले गए, 15 डिग्री ईस्ट आ गए, 15 चौके 60 एक घंटा बढ़ जाएगा, यानी 1 बज रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, कितना बचेगा, 1। वही अगर 12 डिग्री से अगर 15 डिग्री वेस्ट पे आ जाए, पीछे की तरफ आ जाए, तो जो 12 बज रहा था यहाँ पे कितना बज जाएगा, 11 बज जाएगा, 1 घंटा हम पीछे चले आएंगे। इट विल बी 1 आवर लेस बिकॉज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है एज द सन फर्स्ट राइजेज इन द ईस्ट। जो है सूरज किधर निकलता है, पूरब की तरफ पहले। तो फॉर द पर्पज ऑफ मेमोराइजिंग, याद रखने के लिए, ईस्ट गेन एड, यानी ईस्ट में जाओगे तो एड करोगे, वेस्ट लूज सब्ट्रैक्ट, यानी वेस्ट में जाओगे तो लूज करोगे और सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये फॉर्मूला है आपका। यानी जब भी ईस्ट की तरफ अगर मुड़ रहे हैं प्राइम मेरिडियन से, तो हम लोगों को ऐड करना होगा टाइम, और वेस्ट की तरफ अगर जा रहे हैं तो हम लोगों को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये हम क्वेश्चन आंसर में भी देखेंगे। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर क्या है, प्राइम मेरिडियन टुगेदर विद द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड यूजुअली डिवाइड द अर्थ इनटू द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। दिस डिवीजन होल्ड्स गुड बट प्रैक्टिकली फॉर ऑल पर्पसेस। अभी जो प्राइम मेरिडियन है विद द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये जो है डिवाइड कर देता है अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। यानी कहने की बात ये है कि ये अगर अर्थ है तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो ये जो लाइन जा रही है
ये वाली लाइन क्या करेगी, अर्थ को टोटल ईस्ट वेस्टर्न और ईस्टर्न में, ये ईस्ट और वेस्ट, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देती है। और ये जो है बहुत बढ़िया है सारे पर्पस के लिए। हाउएवर एनी टू डायमेट्रिकली अपोजिट लाइंस कैन ऑल्सो डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल हेमिस्फीयर। इसके अलावा समझ रहे हो, 180 वाले के अलावा भी कोई लाइन होगी तो वो भी अर्थ को दो पार्ट में, दो हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगी। ठीक है, तो मेनली हम लेके चलते हैं 180 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड को। इसके बाद बात करते हैं लोकल टाइम। लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस इज ऑब्टेंड बाय द ओवरहेड सन एट नून। लोकल टाइम ऑब्टेन किया जाता है जब सर पे धूप रहती है एट नून। फॉर ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड द लोकल टाइम वेरीज बाय 4 मिनट। ये तो हमने देख लिया, हर एक डिग्री के लिए 4 मिनट वेरी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुंबई 73 डिग्री ईस्ट है और दिल्ली 77 डिग्री ईस्ट है, ठीक है, देखो यहाँ पे मुंबई है, दिल्ली है, अगर ये 77 मुंबई 73 डिग्री ईस्ट है और दिल्ली 77 डिग्री ईस्ट है, दोनों ईस्ट में ही लाई कर रहा है, तो अगर दोनों अलग अलग है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने डिग्री का है, 77 और 3 डिग्री, 4 डिग्री का। 4 डिग्री का मतलब 4 × 4 16 मिनट का डिफरेंस होगा, यानी यहाँ जितना भी बज रहा होगा उससे 16 मिनट ज़्यादा हो रहा होगा यहाँ पे, क्योंकि ईस्ट साइड में क्या होता है, ऐड होता है EGA। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कहा है और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद टाइम जोन एंड स्टैंडर्ड टाइम की बात करते हैं। टू ओवरकम द कन्फ्यूजन वाइल अलाउिंग द इंटरप्ले ऑफ नेचुरल फोर्सेज टू ऑपरेट द अर्थ हैज बिन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आवर इन अ डे। ईच जोन कवर्स 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दैट इज 360 डिवाइडेड बाई 24। देखो, कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो नेचुरल फोर्सेज वगैरह जो है आपस में चलते रहते हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, अर्थ को 24 जोन टाइम जोन में डिवाइड कर दिया है। और 24 टाइम जोन में कैसे डिवाइड किया है, हर एक घंटे के लिए 15 डिग्री है, तो यानी कि 360 बाई 15 करो कि 24 आवर्स आई जा रहा है, यानी 360 बाई 24 करके 15 डिग्री पे हम लोगों ने 15 डिग्री पे अलग अलग टाइम जोन बनाए हुए हैं। द टाइम फॉर द होल जोन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रल मेरिडियन ऑफ दैट प्लेस। अब जो टाइम होता है पूरे जोन का डिटरमाइन किया जाता है सेंट्रल मेरिडियन की वजह से, जो सेंट्रल मेरिडियन होता है उस जगह का, पर्टिकुलर जगह का। वाइल कंट्रीज जो कि छोटे हैं, स्मॉलर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, जिनका कि जो है ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं है ईस्ट और वेस्ट साइड में, उन कंट्रीज के लिए क्या किया गया है, इंडिया हैव ओनली वन स्टैंडर्ड टाइम जोन। इनके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम जोन नहीं है, सिर्फ वन स्टैंडर्ड टाइम जोन है। अब जैसे कि कंट्रीज हैं रशिया, कनाडा, USA, इनके पास ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सटेंशन ज़्यादा है, यानी ईस्ट में भी काफ़ी हद तक फैले हैं, वेस्ट में भी काफ़ी हद तक फैले हैं, तो इनके पास एक से ज़्यादा टाइम जोन है, ये भी देखने को मिलेगा आपको। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, यूनिफॉर्म टाइम बेस्ड ऑन अ सेंट्रल मेरिडियन इज नोन एज द स्टैंडर्ड टाइम। जो यूनिफॉर्म टाइम होता है सेंट्रल मेरिडियन पे, बीचों बीच वाली जो मेरिडियन होती है उस पे बेस करता है, उसको स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं। और ये ऐसा होना चाहिए कि जो हमेशा डिविजिबल हो 7.5 डिग्री से, क्योंकि हमने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपने 1 आवर को लिया हुआ है कितना, 15 डिग्री है ना, 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो यानी कि वो डिविजिबल होगा 7.5 डिग्री से, तभी तो हमारा काम बन पाएगा, यानी हाफ आवर। ठीक है, और इससे ज़्यादा स्मॉलर वगैरह डिफरेंस पे होगा तो हमको दिक्कत होगी कैलकुलेशन में। ग्रीनविच मीन टाइम क्या होता है, फर्दर वाइल फिक्सिंग द टाइम जोन्स द टाइम एट ग्रीनविच, यानी कि जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे टाइम हो रहा है उसको सेलेक्ट किया जाता है मीन टाइम। दस इफ इट इज नून एट ग्रीनविच एट 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड द टाइम विल बी 1 PM एट 30 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो देखो बात वही कह रहा है, अगर 12 बज रहा है ग्रीनविच पे, 0 डिग्री वाले पे, 0 डिग्री वाले पे अगर 11 बज रहा है, कितना बज रहा है, 12 हो रहा है, ठीक है, इफ इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, एट ग्रीनविच के पास एट 15 डिग्री ईस्टर्न में, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, 12 बज के नून हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अब जब 15 के बाद 30 पे जाएंगे तो यानी 15 डिग्री क्रॉस कर रहे हैं, 15 डिग्री का मतलब 1 आवर क्रॉस कर रहे हैं, तो यानी इस वाली लाइन पे कितना बजना चाहिए, 1, ठीक है, 1 o'clock होता रहेगा यहाँ पे, 1 PM होगा। और फिर अगर 15 डिग्री आगे चले जाएंगे तो 2 बजेगा, ठीक है।
द टाइम फिक्स्ड विथ रेफरेंस टू ग्रीनविच इज कॉल्ड ग्रीनविच मीन टाइम। अब ये जो है ना, ये समय फिक्स करते हैं हम लोग किसके हिसाब से, ग्रीनविच के हिसाब से, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के हिसाब से। अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है हमारे देश के अंदर, 82 डिग्री 30 ईस्ट, ये सेंट्रल मेरिडियन माना गया है। देखो हर देश पे अलग अलग लाइन को स्टैंडर्ड माना गया है, तो हमारे देश में किसको माना गया है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को सेंट्रल मेरिडियन माना गया है। और ये मिर्जापुर से पास करता है जो कि अलाहाबाद में है, में आता है। इट इज नोन एज स्टैंडर्ड मेरिडियन, इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का माना गया है। सब देश में अपना अलग अलग होगा। वाइल फिक्सिंग द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विथ रिस्पेक्ट टू द ग्रीनविच मीन टाइम, अब फिक्स करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को 0 डिग्री वाले लॉन्गिट्यूड के साथ, वी हैव टू ऐड 82 डिग्री 30 मिनट, है ना। तो अब यहाँ पे देखो डे दिया है मल्टीप्लाई करके, 82 डिग्री 30 मिनट, 82 को 4 से मल्टीप्लाई, 30 को भी 4 से मल्टीप्लाई, तो ये भी आ जाएगा आपका टोटल, तो 330 मिनट आ रहा है। तो 330 मिनट को आवर में कन्वर्ट करोगे तो 5 आवर 30 मिनट आ रहा है। तो यानी 5.5 घंटा हमको ऐड करना पड़ता है। तो यानी कि अगर हम कहें कि हमारे इंडिया के अंदर जो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लिया गया है, ये सेंट्रल मेरिडियन है हमारा, ठीक है। इसके हिसाब से हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। तो अगर लंदन के अंदर, अगर लंदन में टाइम कितना हो रहा है, 9 बज रहे हैं, ठीक है, सुबह के 9 बज रहे हैं, तो 82 डिग्री और 30 मिनट ईस्ट के हिसाब से कितने का डिफरेंस आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई किया हमने 4 मिनट से, हमारा या 330 मिनट मतलब 5 आवर 30 मिनट आया। तो हम 9 बजे में 5 घंटा ऐड करेंगे, साथ में 30 मिनट भी, यानी कि लंदन में कितना बज रहा होगा उस, वो लंदन में अगर 9 बज रहा है तो इंडिया के अंदर कितना बजेगा, 2:30 हो रहे होंगे, ठीक है। तो हम ऑटोमेटिकली जो GMT दिया रहता है ना, उसके साथ से हिसाब से हम कहीं का भी टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हम ये पता कर लें कि हमारा और उनके बीच में कितने का डिफरेंस है। तो उस हिसाब से हम वहाँ के टाइम से अपने टाइम में अगर 5.5 घंटे ऐड कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको वहाँ का पता चल जाएगा कि वहाँ इस समय कितना बज रहा होगा। वर्कड आउट विथ एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है, और ऐसा ही एग्जाम्पल आपको न्यूमेरिकल में भी मिलेगा। इट इज़ 5:30 PM इन इंडिया, इंडिया का टाइमिंग दिया हुआ है। When the Prime Minister Radio Broadcast, Minister's Radio Broadcast was made from Montreal in Canada was heard. अच्छा, जो Prime Minister ने रेडियो ब्रॉडकास्ट किया है मॉन्ट्रियल से, वो कनाडा में सुनना था और इंडिया में 5:30 बज रहे थे। What must have been the time at Montreal? अब देखो एटलस देखना पड़ेगा इसके लिए, अब लेकिन एटलस तो दिया नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं सॉल्यूशन में कि यहाँ पे हमको ये देखने को मिला कि जो मॉन्ट्रियल है वो 70। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब जैसे कि ये है हमारा ग्लोब, ठीक है, अब इधर हमारा 0 डिग्री वाला है। अब 0 डिग्री वाले पे मान लो कि नून हो रहा होगा, ठीक है, तो ये 12 बज रहा होगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे 12 बज रहा होगा। यहाँ मेरा कंट्री लाई करता है, मेरा कंट्री जो लाई कर रहा है वहाँ पे बज रहे हैं 5:30 बज रहे हैं। अब मेरे कंट्री से इधर में डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 74 का, तो 74 डिग्री का मतलब हुआ 74 × 4 यानी 296 मिनट का, यानी कि 4 आवर 56 मिनट का डिफरेंस आया। तो यानी कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे जाएंगे 12 बजे तक, अब 12 बजे से यानी कि 0 डिग्री वाले से भी 74 डिग्री वेस्ट में लाई कर रहा है, तो 74 के हिसाब से 4:56 पीछे जाएंगे। तो 12 बजे से 4:56 पीछे जाके देखो तो 7:04 आएगा, यानी कि कनाडा में कितने बजे हियर किया जाएगा, 7:04 पे। ये दूसरे तरीके से भी दिया हुआ है दोनों टाइम डिफरेंसेस को अलग अलग लेके। इसके अलावा है आपके पास इंटरनेशनल डेडलाइन, द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड 180 डिग्री इज वन एंड द सेम फॉर ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। अब ये जो 180 डिग्री वाली लाइन है ना, सेम है ईस्ट के लिए भी वेस्ट के लिए भी, एक ही है। सिंस इट इज डायमेट्रिकली अपोजिट है ग्रीनविच मीन टाइम के, यानी 0 डिग्री वाले के जस्ट अपोजिट है। तो ये जो लाइन जस्ट अपोजिट है, तो ये टाइम
कितना डिफरेंस लेके आती है फुल डे का। अगर इस लाइन को कोई क्रॉस करता है तो पूरा फुल डे का डिफरेंस आएगा। द टाइम डिफरेंस आउट ऑफ 12 आवर 180 इंटू 4 फ्रॉम आइदर साइड ऑन क्रॉसिंग द लाइन अ डे इज गेंड और लॉस्ट। यानी कि ये जो 180 डिग्री वाली लाइन है ना, इसको अगर इधर से इधर या इधर से इधर जाओगे तो एक दिन का, यानी टोटल 180 डिग्री का अगर आप कर रहे हो ना, तो 180 इंटू 4 तो आप देखो कि पूरा एक दिन का, वन डे, एक दिन का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप वेस्ट साइड में जाओगे तो सब्ट्रैक्ट कर लोगे एक दिन, और ईस्ट साइड में जाओगे तो एक दिन पूरा ऐड हो जाएगा। ठीक है, 12 घंटे का डिफरेंस आता है टोटल, 18 चौके देख लो यहाँ पे, 18 × 4 = 72, 720 मिनट आएगा, और इसको कन्वर्ट करोगे तो 12, तो 12 आवर का पूरा डिफरेंस आता है, 12 घंटे का डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, व्हेन क्रॉसिंग फ्रॉम ईस्ट टाइम विल बी 12 आवर अहेड एंड व्हाइल क्रॉसिंग फ्रॉम वेस्ट द टाइम विल बी 12 आवर बिहाइंड। वेस्ट साइड में जाओगे 12 घंटे कम, ईस्ट साइड में जाओगे 12 घंटे ज़्यादा। यानी कि अगर 8 बजे रात्रि के हो रहे हैं मंडे 25 दिसंबर का, है ना, ग्रीनविच पे, तो 8 बज के सुबह हो जाएगा 26 दिसंबर का, यानी हम गए हैं ईस्ट साइड में जब हम क्रॉस किए 180 डिग्री। लेकिन अगर कोई बंदा अगर वेस्ट से ट्रेवल कर रहा है तो 12 घंटे पीछे हो जाएगा, यानी 8 बज के सुबह हो रहे हैं अगर 25 दिसंबर के, है ना, विन द टाइम लॉस्ट एंड गेंट, तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ कितना हो रहा था अभी 25 दिसंबर 8 PM हो रहा था, तो 8 PM से जस्ट पीछे आ जाएगा 12 घंटे, और कितना हो जाएगा 8 AM हो जाएगा, 12 घंटे पीछे हो जाएगा। द डिफरेंस वर्क्स आउट टू फुल 24 आवर्स एट 180 डिग्री ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो ये जो है ना 24 आवर्स का जो डिफरेंस आता है, वो इसको पूरा करने के लिए हम लोग ऐसे लेते हैं, इन द अबव एग्जाम्पल द डिफरेंस बिटवीन 8 AM मंडे एंड 8 AM ट्यूजडे कितना हो रहा है 24 आवर। यानी कि पूरा एक तरफ इधर जाने में 12 घंटा, एक तरफ इधर जाने में कितना हो रहा है टोटल डिफरेंस, 24 घंटे का डिफरेंस हो रहा है। तो यही डिफरेंस हम लोग पूरा करते हैं इससे। ठीक है, तो कोई भी अगर लाइन को क्रॉस करता है तो कितना, एक दिन या एक जो है एक दिन पूरा जो है या तो ऐड करता है या तो सब्ट्रैक्ट करता है। अब जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, ये 180 डिग्री वाली लाइन है। ठीक, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। When crossing this deadline from the east to west, a day is deducted or the time is fixed backward by one day. अब जब टाइम कैलकुलेट करते हैं, कोई पार करता होगा इंटरनेशनल डेट लाइन, तो एक दिन या तो ऐड करता होगा या तो सब्ट्रैक्ट। When crossing ideal from east to west, अगर ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा तो एक दिन ऐड करेगा, और जब कैलेंडर जो है एक दिन आगे का हो जाएगा। तो इस तरह से देखो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। अगर एक ही कंट्री के अंदर, अगर बगल मान लो कि अगर कंट्री से अगर पास करेगा इंटरनेशनल डेट लाइन, तो अब किसी को पता नहीं चल रहा है, पैदल चल रहा है, बंदे ने क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिया तो यानी एक दिन का डिफरेंस आ गया इसके अंदर। तो इसके लिए डेट लाइन को बेंड बैग और जिग जैग बनाया गया है बेरिंग स्ट्रेट से साइबेरिया और अलास्का के बीच में, और फिजी पे, और फिर उसके बाद तोंगा, न्यूजीलैंड और कुछ अदर आइलैंड पे। यहाँ पे देखो तुमको दिखाई देगा इंटरनेशनल डेट लाइन, दिख रहा है, सिर्फ देखो डॉटेड लाइन, ये पानी से क्रॉस किया गया है, सॉरी इधर इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री से लेके आया गया, देखो इसको पानी से पास किया जा रहा है, मोस्टली जिग जैग वे में ला के पानी से पास किया जा रहा है। पानी से इसलिए पास किया जा रहा है क्योंकि अगर ये ज़मीनों से पास किया जाता, तो फिर यही दिक्कत आती, कोई बंदा चलते चलते पास कर लेता तो जाहिर सी बात है उसको टाइम कन्फ्यूजन हो जाता, एक दिन का डिफरेंस हो जाता। और ये तो जो है कि डेली रूटीन में हो सकता है, लेकिन ये क्या है, जब आप एक वाटर रूट से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे होगे तब के लिए होगा। तो इससे आसानी हो गई क्योंकि वाटर रूट हम कम क्रॉस करते हैं और लैंड रूट तो हमेशा क्रॉस करते रहते हैं, तो इसीलिए इसको वाटर रूट से लेके जाया गया है इन सारी कंट्रीज के पास से। लोकेटिंग प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ द ग्रिड, ग्रिड की मदद से हम लोग लोकेट कर सकते हैं प्लेस को ग्लोब के ऊपर, इफ़ वी नो द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ दोज प्लेसेस। अगर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड उस जगह का मालूम है तो हम किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं, है ना, कि इतने डिग्री के बीच में और इतने डिग्री और इतने डिग्री बीच लॉन्गिट्यूड में, इतने डिग्री से इतने डिग्री के बीच लॉन्गिट्यूड में देखेंगे और इतने से इतने के बीच में लैटिट्यूड में देखेंगे। तो विद इन अ सिंगल बॉक्स, एक ग्रिड सिस्टम में ही बस हमको उस प्लेस को देखना पड़ेगा। अब फर्दर ये भी डिवाइडेड होता है ना, मिनट में और सेकेंड में, तो उससे हम एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट पोजिशन पर पहुँचते हैं।
एग्जाम्पल, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ थ्री प्लेसेस इज गिवन बिलो. न्यूयॉर्क का दिया हुआ है लेटिट्यूड 40 डिग्री नॉर्थ है और लॉन्गिट्यूड 74 डिग्री वेस्ट है. न्यू दिल्ली का 30 डिग्री नॉर्थ है और 77 डिग्री ईस्ट है. मुंबई का 19 डिग्री नॉर्थ में पड़ेगा और 73 डिग्री वेस्ट में पड़ेगा. अब ये देखो, फर्स्ट लुक एट द डेटा ऑफ न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क का जो डेटा दिख रहा है देखो, 41 डिग्री नॉर्थ और 74 डिग्री वेस्ट. ये जो है, इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू राइट फर्स्ट द लेटिट्यूड एंड देन लॉन्गिट्यूड. पहले लेटिट्यूड ही लिखा जाता है, बाद में लॉन्गिट्यूड लिखा जाता है. लेटिट्यूड वही इक्वेटर से, और लॉन्गिट्यूड जो तुम्हारा है, लॉन्गिट्यूड वाली लाइन जो नॉर्थ से साउथ दौड़ रही है. फॉर लोकेटिंग द अबव आइडेंटिफाई द रिलेवेंट लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. तो पहले तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा मैप में जाके वो लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वेयर द टू लाइन मीट, जहाँ पे दोनों मीट कर रही हैं या फिर जहाँ पे दोनों क्रिस क्रॉस कर रही हैं. लाइज द प्लेस विच इज टू बी लोकेटेड. तो वो प्लेस वहाँ पे लाई करता है. कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री नॉर्थ एंड 77 डिग्री ईस्ट. तो अब यहाँ पे इसको खोजना पड़ेगा कि कहाँ गया. ठीक है, तो ये देखेंगे हम लोग कभी. और ग्रेट एंड स्मॉल सर्कल, ये तो हमने बताया आपको शुरू में भी कि ग्रेट और स्मॉल सर्कल क्या होता है. ठीक है, तो अ ग्रेट सर्कल इज अ सर्कल दैट इज ड्रॉन ऑन द सर्फेस ऑफ अ स्फेयर सच एज द अर्थ. अब अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा सर्कल जो बनाया गया, यही सर्कल ग्रेट सर्कल कहलाता है. अब ये ग्रेट सर्कल देखो, अगर जो नॉर्थ से साउथ की तरफ दौड़ रहा है यानी लॉन्गिट्यूड, तो हर एक लॉन्गिट्यूड ही पूरा ग्रेट सर्कल है. अगर दोनों तरफ का देखो तो, दोनों तरफ का देखो तो हर एक लाइन जो है वो ग्रेट सर्कल कहलाएगी. लेकिन इक्वेटर इधर में देखो, तो ये जो इक्वेटर है, ये इक्वेटर ऐसा जीरो डिग्री वाला इकलौता लाइन है जो कि लेटिट्यूड में ग्रेट सर्कल कहलाता है. लेटिट्यूड में सिर्फ एक ग्रेट सर्कल है, और लॉन्गिट्यूड में आपका जो है सारे के सारे ऑल आर ग्रेट सर्कल, ये सब ग्रेट सर्कल है. ठीक है, अब फायदा देखो इसका. अब यहाँ पे देखो, ये जो सेंटर को पास नहीं करते, ये जो इक्वेटर वाली लाइन है, जाहिर सी बात है ये ऐसे गोला बनाएगी, तो यहाँ सेंटर से पास करेगी, है ना, सीधा ऐसे सेंटर से होते हुए गुजरेगी, सेंटर को इसी के बीच में लाई करेगा. अब जो सेंटर से ऊपर लाई करते हैं उनका अदर देन द सेंटर ऑफ अर्थ कुछ पड़ता होगा ये, तो ये स्मॉल सर्कल होते हैं. नीचे में आ जाओ तो ये नीचे वाले भी स्मॉल सर्कल होंगे, ये सब स्मॉल सर्कल होंगे. यानी लेटिट्यूड में सिर्फ एक ही ग्रेट सर्कल होगा, लॉन्गिट्यूड में सारे ग्रेट सर्कल होंगे और सब इक्वल साइज के होंगे. सर्कल विच डू नॉट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ आर स्मॉल सर्कल. ऑल द पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड अदर देन द इक्वेटर आर स्मॉल. आर्क ऑफ ग्रेट सर्कल आर द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन टू पॉइंट ऑन द स्फीयर. अब इस बात को देखो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें कहना क्या चाहता है आपसे, इसमें कह यार ये रहा है कि जैसे कि हमने ये मैप उठा लिया, अब मैप से यहाँ के बीच में अगर हमको देखना है प्लेस, तो हम डायरेक्टली मैप में तो ऐसे थ्रेड लेते हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक का बिल्कुल सीधा थ्रेड ले लिया, डिस्टेंस ले लिया. लेकिन 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 यही चीज़ अगर ग्लोब पे देखोगे, तो ये ग्लोब पे बिल्कुल कैसा जा रहा होगा, एज अ कर्व जा रहा होगा. और ये कर्व एक्चुअली में होता क्या है, यही कर्व क्या है, ये शॉर्टेस्ट रूट होता है. ऐसे तो मैप पे देखा तो स्ट्रेट लाइन बन रहा था, ये कर्व में पास करेगा. और ये कर्व होता क्या है, ये कर्व आपका कुछ और नहीं है बल्कि ये ग्रेट सर्कल का जो आर्क होता है, ये कर्व ग्रेट सर्कल का आर्क है, ग्रेट सर्कल का आर्क है. और यही आर्क जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, किसके ऊपर, ऑन ग्लोब, ग्लोब के हिसाब से देखोगे तो. बाकी अगर ऐसे देखना है सामने फ्लैट करके तो सीधा होता है, लेकिन इसी को राउंड करोगे तो, इसको भी अगर राउंड करोगे तो ये सर्कुलर वे में आ जाएगा. तो ग्रेट सर्कल का जो आर्क होता है, वही आर्क शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस के बीच का. अब जितना भी जो है आपका शिप्स वगैरह से लेके एरोप्लेन वगैरह है, वो क्या फॉलो करते हैं, वो इसी कर्व को फॉलो करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, अ ग्रेट सर्कल इज अ थियोरेटिकल सर्कल formed by the intersection of the earth's surface and an imaginary plane that passes through the center of the earth and divide it into two equal part. अब ग्रेट सर्कल एक थियोरेटिकल सर्कल है जो कि इंटरसेक्शन से बनता है अर्थ के सरफेस और एक इमेजनरी प्लेन से. अर्थ का सरफेस और इमेजनरी प्लेन दोनों हम लोग इंटरसेक्ट करवाते हैं सेंटर से गुजरता हुआ, जो पास करता है किससे, सेंटर से. वो डिवाइड कर देता है अर्थ को बिल्कुल टू इक्वल पार्ट में, तो वो इमेजनरी है. All such circle must pass through the
थ्रू और टच द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो है ना, ये अगर सेंटर है तो देखो ये इसमें जितने भी ग्रेट सर्कल हैं वो सारे कहाँ से पास करेंगे, कोई भी ग्रेट सर्कल का सेंटर क्या होगा, वो सेंटर, अरे हाँ, ग्रेट सर्कल का सेंटर सेंटर ऑफ द अर्थ ही होगा, सेंटर ऑफ द अर्थ ही बनाएगा वो, ठीक है। अगर इसको अगर ऐसे लेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर पास कर रहा है सेंटर से होके, ठीक है, बाकी सब नहीं पास करेंगे, बाकी सबका सेंटर कहीं और होगा। लेकिन नॉर्थ से साउथ जो लाइंस जा रही हैं, रन कर रही हैं लॉन्गिट्यूडनल, तो वो लॉन्गिट्यूड वाले में हर एक सर्कल, ठीक है, यानी कि 1 डिग्री वाला 179 से, 0 डिग्री वाला 180 से पूरा फुल सर्कल बनाओगे तो सब सेंटर के ऊपर से होती हुई गुजरेंगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल बना सकते हो आप दोनों अपोजिट एंड पे। इंटरसेक्टिंग ग्रेट सर्कल ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। अगर दो जो इंटरसेक्टिंग ग्रेट सर्कल, जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है ग्रेट सर्कल, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना, एक दूसरे को वो बाइसेक्ट कर देती हैं, बिल्कुल इक्वली काट देती हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फर्स्ट, यानी कि थ्योरेटिकल सर्कल, इस वाले में इक्वेटर लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल होता है लैटिट्यूड में। द इक्वेटर एंड ऑल डायमेट्रिकली अपोजिट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सॉरी टच द सर्कल, टच करते हैं सेंटर ऑफ सर्कल एंड देयर फॉर ग्रेट सर्कल। सिर्फ लैटिट्यूड यानी कि इक्वेटर और लॉन्गिट्यूड में सारे टच करके निकलते हैं किसको, सेंटर से होके गुजरते हैं। कैरेक्टरिस्टिक थर्ड वाले में, यानी इनफाइनाइट नंबर हम लोग बना सकते हैं, एक्सक्लूड और लैटिट्यूड एक्सेप्ट द इक्वेटर, एक्सक्लूड करता है सारे लैटिट्यूड को, यानी कोई और लैटिट्यूड की बात नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर की बात हो रही है, सिर्फ इक्वेटर ऐसा काम कर सकता है। और पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर स्मॉल सर्कल, और बाकी सारे के सारे बचे हुए एक्सक्लूड जिनको किए हैं वो सब स्मॉल सर्कल होते हैं, ग्रेट सर्कल में सिर्फ इक्वेटर है। यूजेस क्या है इसका, नेविगेटर यूज ग्रेट सर्कल टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बताया ना, ग्रेट सर्कल ये जो इनका आर्क होता है इसी से ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं नेविगेटर। अ ग्रेट सर्कल रूट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेज ऑन अर्थ एंड लाइज ऑन द आर्क ऑफ अ ग्रेट सर्कल, ये समझा दिया हमने। यूजिंग दिस हाइपोथेसिस शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम न्यूयॉर्क टू मास्को वुड बी ओवर द नॉर्थ पोल। अब शॉर्टेस्ट रूट जो होगा न्यूयॉर्क से मास्को का, वो नॉर्थ के पोल के ऊपर से होगा। दस इट डज नॉट टेक एन अकाउंट रिस्ट्रिक्शन सच एज वेदर और पॉलिटिकल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाई द कंट्रीज कंसर्न। इट ऑल्सो डज नॉट टेक इन टू अकाउंट लैक ऑफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ फैसिलिटीज फॉर एरोप्लेन। तो ये सब चीज़ें कंसिडर ये नहीं करता, ये रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी कंसिडर नहीं करता जो किसी कंट्रीज वगैरह के द्वारा वो इम्पोज की जाती हैं। तो इसीलिए जो भी कोई पास आउट करता है, जो भी कोई गुजरता है, तो वो किसको यूज़ करता है, आर्क को यूज़ करता है, आर्क ऑफ ग्रेट सर्कल। ग्रेट सर्कल रूट आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर प्लेसेस दैट आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ग्लोब। अब ग्लोब के एक दूसरे अपोजिट साइड में जो होते हैं उनके लिए ग्रेट सर्कल बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होता है। मोस्ट ग्लोब्स शो ग्रेट सर्कल रूट्स, ज़्यादातर ग्लोब्स जो होते हैं ग्रेट सर्कल रूट को दिखाते हैं बिटवीन डिस्टेंट पोल्ट अक्रॉस द एटलांटिक, एटलांटिक पैसिफिक और इंडियन ओशियन के इस पार से उस पार बहुत ग्रेट डिस्टेंस पे जो प्लेसेस होते हैं तो उनको दर्शाता है, ग्रेट सर्कल रूट दिखाई देता है आपको ग्लोब के ऊपर। ग्रेट सर्कल आर यूज्ड बाय मेटियोरोलॉजिस्ट टू डिटरमाइन क्लाइमेट एंड वेदर कंडीशन इन अ रीजन। तो ग्रेट सर्कल का इस्तेमाल किया जाता है मेटियोरोलॉजिस्ट के द्वारा भी, ताकि कहीं का भी क्लाइमेट और वेदर कंडीशन उस जगह का मालूम हो सके, डिटरमाइन किया जा सके, ठीक है। तो सारी चीज़ें होगी, और कुछ देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं जिसको हम अभी कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।